ग्वालियर में उपचुनाव से पहले लाइसेंसी शस्त्र धारकों को हथियार फिर थानों में जमा कराने पड़े। इसके लिए सोमवार आखिरी दिन तय किया गया था। पुलिस थानों में हथियार जमा कराने की रफ्तार धीमी होने से थाने पर लोगों की भीड़ जमा रही। दरअसल प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 3 विधानसभा सीटें ग्वालियर जिले की हैं। जिसे देखते हुए एसपी ने शहर के सभी बंदूक लाइसेंस को निरस्त कर दिया था। इस दौरान थानों में हथियार जमा करने वालों की भीड़ लग गई। अभी तक करीब 11,500 हथियार थानों में जमा हो चुके हैं। जिले में करीब 30,000 से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं। एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया था कि उनके इलाकों में जितने भी शस्त्र धारक हैं उनके हथियार जमा होना चाहिए। उसके बावजूद अगर शस्त्र धारक हथियार जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ लाइसेंस को निलंबित करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि थानों की स्थिति से लोग वाकिफ हैं, इसीलिए शस्त्र को अपने स्तर पर कवर और पेटी में सुरक्षित रखकर ला रहे हैं। वहीं इस दौरान थानों में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ देखा जा सकता है। अरे राइफल जमा करनी थी बंदूक। मैं करीब 2 घंटे हो गए। कैसी हालत है? हालत तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल खराब है। भीड़ आप देखो, 17 आदमी है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन सोमवार लास्ट डेट थी, आज लास्ट डेट है। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि आज लास्ट डेट है, इसीलिए थोड़ी सी ये अंधा भीड़ लग रही है। सर हालात ठीक है और यहाँ पर जमा करने में बड़ी परेशानी हो रही है, नंबर ही नहीं आ रहे हैं। कल भी आए थे, आज भी आए हुए हैं। आप पेटी में रख रहे हैं बंदूक? पेटी में रख दी है सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पेटी में रख दी है। 34 थाने हैं। अच्छा, 8 बजे से आया हूँ। अच्छा, अभी तक नाम ही नहीं बुला है। कैसे क्या नाइन का वो लाइसेंस जमा है, लाइसेंस इधर को उधर कर देते हैं, क्या पता नहीं। लेकिन देखा जा रहा है कोविड-19 का भी कह रहे हैं उसमें। मैं इसलिए बाहर खड़ा हुआ हूँ, भीड़ में नहीं जा रहा हूँ। चूँकि जिले में 3 जगह विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसे देखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के समस्त जो लाइसेंसी हथियार हैं, जिनकी लाइसेंस है, उसको निरस्त किया गया है। और उसी तारतम्य में ये आदेश है कि सभी थाना, उनके थाना क्षेत्र में जिनके पास लाइसेंसी हथियार है, उनको ये सूचित करें कि वे अपने हथियार थाने में जमा कर दें। अगर जो लोग नहीं जमा करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कंडक्ट करते हैं? उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई हो जाती है और लाइसेंस जब्त होता है, आर्म्स जब्त होता है, लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी उनकी परमानेंट बेसिस पे हो जाएगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।